लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का गरीबी उन्मूलन के वायदे के साथ उतरने पर जहां प्रदेश कांग्रेस उत्साहित दिख रही है, तो वहीं इस मुद्दे पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को चुनाव हारता देख कांग्रेस हर कुछ वायदा करने की बात कही है। हमीरपुर में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने राहुल गांधी के गरीबी उन्मूलन के नारे को चुनाव हारने पर वायदे करने की चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि 60 सालों में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई तो अब क्या करेगी। सर, पिछले कल राहुल गांधी ने अपना एजेंडा तैयार किया चुनावों की, गरीबी उन्मूलन को लेके वो इस बार आएंगे, तो इस पर क्या कहना है बीजेपी का? जब चुनाव हार रहे हो तो कुछ भी वायदा कर दो, कुछ भी कहा जा सकता है ऐसा कर देंगे। 55 साल सत्ता में रहे तब क्यों नहीं कर पाए, अब करने का क्या खास मौसम है? ये खोखले वायदे, इनका कोई असर नहीं होने वाला। तो वहीं प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने स्कीम पर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी को फिजूल करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने राहुल गांधी की घोषणा पर खुशी जाहिर की और कहा कि इससे गरीबों की न्यूनतम आय की गारंटी मिलेगी और इससे गरीबों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस स्कीम पर तुरंत बीजेपी की प्रतिक्रिया से कांग्रेस पार्टी हैरान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को आखिर इस घोषणा से परेशानी क्यों हो रही है। अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने घोषणा की, जिस घोषणा के मुताबिक अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हिंदुस्तान के अंदर जो गरीब जनता है उसके लिए न्यूनतम आय की गारंटी दी जाएगी, जिसके तहत लगभग 72,000 रुपया सालाना जो गरीब परिवार है उसके खाते में जाएगा। और इसके ऊपर तुरंत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी की प्रतिक्रिया आई और उस प्रतिक्रिया से कांग्रेस पार्टी हैरान है और आश्चर्यचकित है। अरुण जेटली जी ने ना जाने कौन सा गणित लगाया और उनको इस चीज़ की परेशानी और चिंता हो गई कि इतना पैसा धन आएगा कहाँ से। वो इस तरीके से चिंतित दिखे जैसे अगर ये योजना लागू होती है तो जो धन गरीबों को दिया जाएगा वो उनके निजी खाते से दिया जाएगा। ऐसी चिंता की लकीरें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के चेहरे के ऊपर तब देखने को नहीं मिली जब बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े धना सेठ हजारों करोड़ रुपया देश का लेकर विदेशों में भाग गए। जितनी चिंता की लकीरें राहुल गांधी ने जो गरीब के लिए जो न्यूनतम आमदन गारंटी योजना की घोषणा की तब देखने को मिली। जेटली जी को और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी के पास विश्व का सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी के रूप में है। कांग्रेस जानती है योजनाओं को किस तरीके से क्रियान्वित करना है और वित्त मंत्री भारतीय जनता पार्टी के पास अरुण जेटली जैसे अनर्थशास्त्री हैं जिनको शायद इस चीज़ की समझ नहीं है कि इस तरह की योजनाओं को किस तरीके से अमलीजामा पहनाया जाता है।